मनाली जाके। मेरा जो प्लान था वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, और आज हम है धर्मशाला के अंदर। कल हम पहुंच गए थे सही सलामत अमृतसर से धर्मशाला। यह है हमारे रूम के बाहर का कुछ ऐसा सा हसीन नजारा और ये नदी बहती हुई। कैसा लग रहा है? और ये हमने हमारे रूम का कुछ ऐसा हाल कर रखा है। ये जैकेट सूख रहा है मेरा, वो हीटर के सामने जूते सूख रहे हैं, ये हमारे कपड़े सूख रहे हैं, पेनियस टॉप बॉक्स जो हमने जुगाड़ करा था, ये ब्लैक वाली पॉलिथीन ऊपर लगा के काम आई, अंदर कुछ गीला नहीं हुआ। नाश्ते में मंगवाया मैंने हेल्दी ऑमलेट, और ये छोला और ये भटूरा हमारे नेहा जी के लिए, ये चाय हमारे नेहा जी की। ये सोच रहे हो कि अब आप दो कप पियो, वो बोले नहीं यार, एक कप मैं खाने से पहले पीऊंगी, एक कप मैं खाने के बाद। इसलिए हमने केटल ही मंगवाया है ताकि इनका खाना है ना, इनका ना खाना मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट मैंने कभी किया। अच्छा, ये कोई हेल्दी ब्रेकफास्ट, ये हेल्दी में आते हैं चने, इसका नहीं है, ये मेरा ही है। और ये देखिए ट्रिपी जोड़ी का हमारा कार्ड। अभी बज रहे हैं सुबह की 11, और 11 बजे हमारा चेकआउट टाइम, बट मैंने उनसे बात, उन्होंने बोला कि आप आधा एक घंटा एक्स्ट्रा दे देंगे आपको। अभी हम सोच रहे हैं कि यहाँ से बिर जाएं कि यहाँ से मंडी तक। पहले तो सोचा कि होटल बुक कर ले, फिर सोच रहे हैं कि कुछ बुक नहीं करते हैं, चलते हैं, क्या पता हम मंडी तक पहुंचे, कि मंडी यहाँ से 4 घंटे बता रहा है, ब्रेक लेते लेते 6 घंटे हो जाएगा, और 11 में 6 जोड़ दो, 4 बजे तक पहुंच जाएंगे शाम को। और जो बीर है वो यहाँ से तकरीबन 2.5-3 घंटे, तो ब्रेक लेते लेते 4 घंटे मान लो आप। एक हाथ में चाय और पीछे बारिश और बहती हुई नदी, इसका मजा अलग ही है ना। नहीं चाय पीने लड़कियां फोटो खिंचवाने के लिए कितना ताम झाम करती है, अगर वो ताम झाम उनकी फोटो खिंचवाने क्या क्या करती है, तो फोटोज जाके इंस्टाग्राम पे देखिए, वहां पे मिलेंगे आपको फोटोज। चाय पीते हुए फोटो खिंचवाने के लिए बारिश भी नहीं आ रही है इधर बालकनी में, छाता बोले की तो बैग क्यों मैं गीला हूँ ना, ना 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 ना, अरे टाइम हो गया 11 बज गए, आधे घंटे में चले हो जाएगा, सामान पैक करने में टाइम लगेगा, अरे ऐसा नजारा बाहर और मिल जाएगा। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:08, चेकआउट टाइम 11 था, उनसे बोला था, उन्होंने 11:30 तक कर देना, कोई बात नहीं, आधा घंटा एक्सटेंड हो गया, अब देखते हैं वो क्या बोलते हैं नीचे जाके। और ये नेहा मैडम तैयार है हमारे शावर कैप लगा के, बोले आज मैं बारिश में नहाऊंगी, अपने बाल नहीं भिगोऊंगी। तो नेहा जी आज सेकंड डे आपका, बारिश में कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा। धर्मशाला से निकलने का समय आ गया, बाइक कोल्ड स्टार्ट के लिए रख दी, शाम से खड़ी है, पानी के अंदर भीग रही है, तो एक बार थोड़ा अच्छा सा कोल्ड स्टार्ट हो जाए, थोड़ी वार्म अप हो जाए, ऑयल अच्छे से चले, तो आगे चलने में दिक्कत नहीं होगी। मेरा जो प्लान था, हम लोग जाएंगे दलाई लामा जी के टेम्पल, बट वो प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि अगर आप मेरे पीछे देखते हो इस तरफ एक रोड जा रही है, ये जाती है दलाई लामा टेम्पल के लिए, और जो इस तरफ जो रोड जाती है वो जाती है हमारे बीर के लिए। तो बोले कि जो इस तरफ वाली रोड है उससे जाओगे तो लॉन्ग पड़ेगा, इधर से शॉर्ट पड़ेगा, तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं। लगेज बड़ी मुश्किल से सेट हुआ, क्योंकि वो जो उस साइड वाला पैनियर्स है उसका लॉक खराब हो गया। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30, चले चामुंडा माता जी को दर्शन करने जा रहे हैं। नेहा थोड़ी कंजूस है, प्रसाद लेने में कंजूसी कर रही थी, बट मैंने कहा प्रसाद ले लेते हैं, तो हमने प्रसाद ले लिया है, माता जी के लिए ही है। कंजूस है, कंजूस नहीं हूं मैं। और ये पीछे जबरदस्ती खुला के तो मैं लेके आई हूं, पीछे ये नदी है बहती हुई, कहीं जबरदस्ती लेके नहीं आई है, यहाँ से मैं निकला था, मैंने कहा माता का मंदिर है, बोले नहीं 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 माता का मंदिर नहीं यहाँ पे। लड़की इतनी खतरनाक है ना, मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, कहता हूँ रुक जा, अभी मैंने इसको पीछे बुलाया, फिर भी आगे भाग रही है बार बार। ये कुछ ऐसा हसीन सा नज़ारा है मंदिर के बाहर का, ये यहाँ पे गार्डन बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। उधर हमारे हनुमान जी की मूर्ति है, इधर ये बच्चों का मेला अगर आपको दिख रहा है, झूला छोटा सा बच्चों के लिए, झूला वगैरह भी है यहाँ पे। अरे तो थोड़ा धीरे चल ले, भूल भुलैया है, अरे वो रहा रास्ता सामने, वो देख वहाँ पे चढ़ और वहाँ चढ़ उधर, अरे नीचे से रास्ता इधर आ, इधर से नहीं है, आसान नहीं है माता के दर्शन करने,
2008 में आई भी है मगर कुछ भी नहीं पता खुद को कहाँ से क्या रास्ता है। अरे मैं तो पहली बार आया हूँ फिर भी पता रास्ता कहाँ से है। सामने हनुमान जी की मूर्ति, ये दर्शन करके आ गई बाहर अकेले अकेले। ये इधर शिव जी की मूर्ति और ये इधर कृष्ण भगवान की मूर्ति। कैमरे के ऊपर थोड़ा सा फॉग टाइप जम गया है बट ये साफ नहीं हो रहा। मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको साफ करता हूँ, वापस उसके ऊपर जम जाता है। ये देखो आप क्या अंदर आ गया, वो एक्चुअली इसके ऊपर ही जम रही है, बारिश है, वो बारिश का पानी से ये साफ नहीं हो रहा। तो बारिश बाहर होते हुए हाथ में चाय नहीं, चटनी वटनी नहीं, सिंपल समोसा बस, चाय दे नाल समोसा। बारिश में चाय मिल जाए तो ठीक है। एक कॉफ़ी चाय ब्रेक लिया है, वैसे मुझे ज़रूरत नहीं थी बट नेहा को ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगी क्योंकि मेरा जो रेनकोट था वो तो कल सूख गया, नेहा का रेनकोट अंदर से सूखा नहीं तो उसकी वजह से उसको अब ठंड ज़्यादा लग रही है और पूरी भीग चुकी है वो। बट पीछे व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है नज़ारा। बाकी ये बताओ व्यू कैसा लग रहा है, प्यारा नहीं लग रहा? और हमारी एडवेंचर भी बड़ी प्यारी लग रही है इस व्यू में खड़ी हुई। गाड़ी की बात करें तो गाड़ी की तो बड़ी ही दुर्दशा हो रखी है, गंदी वाली ये देख सकते हो पूरी गंदी हो चुकी है। ये यहाँ पे पूरी की पूरी इसको मनाली जाके धुलवाना पड़ेगा, इसके सर्विस करानी पड़ेगी क्योंकि इसका जो ये स्विच है ये स्विच खराब हो गया है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये हाई बीम तो हो रही है बट अपने आप हाई बीम लो बीम हो रही है। ये लो बीम पे होती तो भी कहती है हाई बीम है, कभी अपने आप भी लो हाई होता रहता है। और ये ट्रिप ही जोड़ी का जो लोगो था ये बरसात के अंदर पूरा का पूरा उखड़ चुका है तो अब स्टीकर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठंडे मौसम में पकौड़े और ये नेहा मैडम ने बनाए, इनके हेड देख के आपको लग ही रहा होगा कि ये खुश है अपनी आज बनाने के लिए। अभी तक का पहाड़ों में जो अभी तक हमने जो भी खाना खाया ना इससे टेस्टी मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला। पकौड़े इतने यम्मी है ना, ये कब मिल जाए सेम। मेरे एक बढ़िया कॉफी नहीं पी यहाँ पे आके, बढ़िया आ गया सही लगी। हम दोनों जाते हैं अच्छा यूँ बोलना है अच्छा मैंने वो जो पहले जो था वहाँ पे नहीं रोका, वहाँ पे मैं रोक देता तो ये अच्छी जगह मिस हो जाती ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे पास खून बहुत कम है। पकौड़े इतने टेस्टी लगे नेहा मैडम और मुझे कि हमने एक प्लेट और मंगवा दी। एक लेटेस्ट अपडेट, मेरे फ्रेंड का जस्ट अभी फोन आया, हमने ब्रेकफास्ट के लिए रुके और सही करा गया ब्रेकफास्ट के लिए, हाँ सॉस डाल दे। तो उसने ये बताया कि उसका जो फ्रेंड है वो मनाली में फंसा हुआ है और मनाली में 2 दिन के लिए हाईवे बंद है। तो हमारा जो प्लान था लद्दाख का मनाली होते हुए जाने का वो अब फिलहाल कैंसिल हो चुका है। अब हम रुक रहे हैं भीड़ में और भीड़ यहाँ से 6 किलोमीटर पीछे है। अब वापस से इस साइड जाना है 6 किलोमीटर और हमारा आज का स्टे आ जाएगा। और हमने जो नाश्ता किया था वो था ये शिवा फूड पॉइंट पे। यहाँ पे अगर आप आते हो भीड़ के यहाँ तो शिवा फूड पॉइंट ज़रूर आना और यहाँ पे आप पकौड़े खाना, आपको मज़ा आ जाएगा। चाय और कॉफ़ी दोनों अच्छी है। अभी तक का जो हिमाचल या हम राजस्थान से निकले ना अभी तक जो हमें कॉफ़ी और चाय का टेस्ट याद जो मिला वैसा हमें कहीं नहीं मिला।